हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि आज जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे होगी। तो आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ज़्यादातर जुडिशरी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ और बाय माइनर इज़ वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनता है उसका सबसे एसेंशियल पॉइंट ये भी होता है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट हो। बट माइनर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। सो द आंसर इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुडविल फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू विच परचेजर एग्रीड इज़ A. void, B. voidable, C. valid, D. none of the above. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 जो है वो बताता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर होता है जो किसी ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है तो वो void होता है। बट उसका एक एक्सेप्शन है जो ये बोलता है कि अगर सेलर और बायर एग्री करते हैं किसी भी गुडविल को की सेल में, तो रिस्ट्रिक्शन विथ रिगार्ड टू कैरिंग फॉरवर्ड अ सिमिलर बिजनेस कोई स्पेसिफाइड एरिया में लगाया जा सकता है। बट ये ध्यान रखना होगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल हो, दिस इज मस्ट। तो अगर ऐसा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंटर हुआ है जिसमें सेल ऑफ गुडविल फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया होता है और परचेजर एग्री कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एग्रीमेंट वो वैलिड होते हैं। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ ए इट इज़ कॉज्ड बाय फ्रॉड, बी कॉज्ड बाय कोएर्शन, सी इट्स कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड पूछा है, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्रॉड से या कोवर्जन से हुआ होता है तो वो वॉइडेबल होता है। बट अगर उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन 4, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड इफ इट इज मेड ए इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ अ पर्सन नॉट बीइंग माइनर, B. in restraint of any trade if goodwill of trade is not sold, C. by way of wager, D. to pay a time barred debt. अभी जैसे हमने देखा कि जो restraint of marriage का अगर कोई contract है तो section 26 उसको directly बताता है कि वो void है। और ऊपर वाले questions में हमने देखा था restraint of trade से related section 27 वाला, वो भी void होता है। और वेजर सेक्शन 30 वो भी वॉइड होता है। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होते हैं? टू पे अ टाइम बार डेट। सो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो सेक्शन नंबर 25 है उसका इलस्ट्रेशन ई भी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, ए एम्प्लॉयज बी टू बीट सी एंड एग्रीज टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। B beats C and B is sued for damages by C. Choose the correct option. A. A is liable to indemnify B. Option B. Only A is liable to pay C those damages. Option C. A is not liable to indemnify C. D. Option all of the above. So the answer will be option number C. Kyunki jo section 224 है वो ये बताता है कि आप किसी को भी क्रिमिनल एक्ट करने के लिए इंडेमनीफाई नहीं कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करते भी हो तो जो पर्सन एक्ट कर रहा है वो लायबल होता है, एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता है। क्वेश्चन 6,
A continuing guarantee may at any time be revoked by surety as to future transactions by A. Notice to creditor, B. Notice to principal debtor, C. Notice to both principal debtor and creditor, D. Notice to public. कंटिन्यूइंग गारंटी वो गारंटी होती है जो सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में दी जाती है, और इसको हम रिवोक करते हैं, मतलब श्योरिटी रिवोक कर सकता है सेक्शन 130 के अंडर, बट उसके लिए उसको नोटिस देना होता है क्रेडिटर को. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 7. एक्स हायर्स अ कैरेज ऑफ वाई. The carriage is unsafe and Y is not aware of it and X is injured. Y is A. Liable, B. Not liable, C. Liable to the 50%, D. None of the above. तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. जो सेक्शन 150 है वो ये बताता है कि बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी फॉल्ट अगर गुड्स में है तो वो डिस्क्लोज करें, बट हायर के केज में केसेस में सॉरी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में उसको अवेयरनेस नहीं है पर्सन को और फिर भी इंजरी कॉज हो जाती है तो पर्सन लायबल होता है. ये हमारा जो सेक्शन 150 है इसका एग्जांपल बी भी है. नेक्स्ट, गुड डिस्प्लेड इन शॉप विंडो विथ प्राइस लेबल विल अमाउंट टू A. Offer, B. Acceptance, C. Invitation to Offer, D. Counter Offer. ये क्वेश्चन बहुत सारी जुडिशरी में पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. प्लीज़ गाइस, ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में डिफरेंस होता है. ऑफ़र में पर्सन जो होता है, मतलब जो पर्सन ऑफ़र दे रहा है, ऑफरर जो है उसकी फाइनल विलिंगनेस होती है, उसकी इच्छा होती है फाइनल कि सामने वाली पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट करे. बट इनविटेशन टू ऑफ़र में सिर्फ जो ऑफरर है वो इनवाइट करता है ताकि नेगोशिएट किया जा सके या फर्दर कुछ स्टेप लिया जा सके विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ़र. तो अगर गुड्स डिस्प्ले किए गए हैं विंडो में एक प्राइस लेबल के साथ तो ये इनविटेशन टू ऑफ़र है. जब पर्सन अंदर जाता है वो गुड्स अगर उसको पसंद आते हैं वो लेता है और वो शॉपकीपर के पास जाके फाइनल बिलिंग कराता है तो वो ऑफ़र हो जाता है, क्योंकि जिसने ये परचेज़ करने की इच्छा रखी है वो उसकी फाइनल इच्छा है गुड्स को ख़रीदने की, तब वो ऑफ़र में कन्वर्ट होता है. बट जब तक वो प्राइस टैग के साथ डिस्प्ले मोड में ही है तो वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र होगा. मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन माइनर इज सप्लाइड विद नेसेसरी ऑफ लाइफ द सप्लायर कैन नॉट रिकवर प्राइस, कैन रिकवर द प्राइस, कैन रिकवर प्राइस फॉर फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनली, डी कैन फाइल अ क्रिमिनल केस. तो जो सेक्शन 68 है वो बताता है इसका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, व्हेन कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय कोवर्जन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, इलीगल. कोवर्जन जो है वो सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, ठीक है, और कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कोवर्जन के थ्रू एंटर हुए हैं वो वॉइडेबल होते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 19 बताता है. अवॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको रिवोक कर सके, और वो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जो कंसेंट दिया गया है वो फ्री नहीं है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू गाइज़.